हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया, तो मैंने सोचा कि मुझे ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अभी आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होगा और उनका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ होगा, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो देख के थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने अपना चैनल तो बहुत पहले बनाया था, पर उस पर काम करना शुरू मैंने आज से 1.5 साल पहले किया था। तो मैं ऐसे ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, और फिर जब आप नए नए होते हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है, नया नया जोश होता है, तो आप काम अच्छे से करते हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 महीने बड़े अच्छे से काम किया। सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे पर उतनी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते थे, और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो और फिर छोड़ देते हो। तो कहने को मुझे 1.5 साल हो गया, पर मैंने काम मुश्किल से 6-7 महीने ही किया होगा। अभी भी 2 महीने से मैं काम कर रही हूँ, उसके पहले चार महीने मैंने कोई भी काम नहीं किया। पर जब वो लॉकडाउन वाला टाइम था ना, उस टाइम लोगों ने इतने वीडियोस देखे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जब इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए तो इस काम को फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो जो क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, सबको ही पता है, 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 वॉचर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो जब मेरे 700 समथिंग सब्सक्राइबर्स थे, तब मेरे 4000 वॉचर्स कंप्लीट हो गए थे, पर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए थे। मुझे यूट्यूब पे जो चीज़ समझ आई वो ये कि आपको क्वालिटी तो मेंटेन करना ही है, पर क्वांटिटी भी मेंटेन करना ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, जो चीज़ मुझे पसंद है हो सकता है वो आपको पसंद ना हो, जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद ना हो, तो आपका जो ऑडियंस है वो क्या पसंद करता है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बनाना है। मेरा एक वीडियो, मतलब मेरे टोटल जो वीडियोस हैं वो जब मैंने रिव्यू में चैनल को अपना भेजा, तब मेरे 140 वीडियोस थे। तो 140 में 10 से 15 ऐसे वीडियोस थे जिसपे 1000 से ऊपर ही व्यूज़ हैं, और 1000 से ऊपर व्यूज़ हैं, साथ ही साथ 3-4 ऐसे भी वीडियोस हैं जिनमें 20,000 से ऊपर व्यूज़ हैं। और जब आप नए यूट्यूबर हैं तो आपको 20-30,000 अगर व्यूज़ किसी वीडियो में है तो आपको लगता है वो वायरल हो गया। तो जो वीडियोस में इतने व्यूज़ हैं, वो मतलब वो मैंने सोचा ही नहीं था कि इनमें इतने व्यूज़ होंगे। एक तो वीडियो ऐसा है जिसमें ऑडियो आता ही नहीं है, फिर मैंने उसका थंबनेल चेंज करके उस पर किया कि ईयरफोन लगा के आप ये वीडियो देखें, कि उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आती है। फर्स्ट सेकंड वीडियो था, उस पर आवाज़ क्लियर नहीं आती है और लोग उसको बहुत देखते हैं, मतलब अभी 1-2 दिन में उसमें 30,000 व्यूज़ हो जाएंगे। तो व्यूज़ तो बहुत आते, ठीक आते थे, पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे। फिर फाइनली मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ 1000 सब्सक्राइबर्स का और 4000 वॉचर्स का। चैनल रिव्यू में गया तो 17 अगस्त को मैंने अपना चैनल रिव्यू के लिए भेजा। और क्योंकि आप यूट्यूब पे इतना देख लेते हो, कुछ लोगों के 6 महीने में चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं, कई लोगों के साल भर रहते हैं रिव्यू में फिर मोनेटाइज होते हैं, कुछ लोगों के 2-3 दिन में ही हो जाते हैं। तो मेरा चैनल 17th को रिव्यू के लिए गया और 19th को मॉर्निंग में मेरे पास मेल आ गया कि मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है तो आपके वीडियोस पे डॉलर बने आने लगते हैं। जब आप ऐड ऑन करते हो तो वो डॉलर ग्रीन हो जाते हैं, उसके पहले ग्रे कलर के होते हैं, जिनको देख के बड़ी खुशी मिलती है, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी तक मेरा एडसेंस पिन नहीं आया है, जब भी आएगा तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो ये सारा है। अब मेरे को यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कहते हैं कि आपको 1 दिन में ही आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा, आपका ये जो क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर्स का, 4000 वॉचर्स का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो कि सबसे सिंपल और ईजिएस्ट तरीका है आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने का, वो है कि आप वीडियो अपलोड करो। जितने में आप ये चीज़ें, ये वीडियोस देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप अपना एक वीडियो बना लो, एडिट कर लो और अपलोड कर लो। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं, ये लोग क्या करते हैं कि 15-15-20-20 मिनट का वीडियो रहेगा और उसमें एक छोटी सी
टिप दे देंगे कि ऐसे करो तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो कि कुछ भी नहीं होता है। एंड कंसिस्टेंसी, आपको एवरीडे वीडियो अपलोड करना चाहिए। हाँ, होता है कि कभी कभी मन ही नहीं करता है वीडियो अपलोड करने का और आप डिमोटिवेट हो जाते हो, पर मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही की है, आप लोग वो बिल्कुल भी मत करना। अगर आप रेगुलर 6 मंथ्स तक भी एवरी डे अपने वीडियोस अपलोड करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे मोनेटाइजेशन के। तो आप ट्राई करो कि अगर आपका चैनल ऐसा है जिसमें आप रोज़ का एक वीडियो अपलोड कर सकते हो तो बिल्कुल करो। हाँ, कुछ अगर आप कॉमेडी वीडियोस करते हैं, सिंगिंग डांसिंग इस टाइप का वीडियो करते हैं तो आपको 2-3 दिन लग जाता है, वो बात समझ आती है, पर अगर पॉसिबल है तो रोज़ अपलोड करो। इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करो। देखो, जब आप 50-100 आपके चैनल पे वीडियोस रहेंगे तो आराम से 15-20 जो वीडियोस हैं वो वायरल हो जाएंगे, मतलब उनमें 1000 से ऊपर व्यूज़ आ जाएंगे, बहुत आसानी से आ जाएंगे। पर अगर आप सोचो कि 10 वीडियोस आपने डाले उसी में से आपके 4-5 वीडियोस वायरल हो जाएं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप नए हो यूट्यूब पे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करो। एक बात और, जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको बड़ा टेंशन होता है कि कंटेंट कहाँ से लाएं। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो जिस टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हो उस पे और वीडियोस ना हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बस आप ये सोच के चलो कि जो ये जो बात मैं बता रही हूँ वो 10 लोग भी बता रहे होंगे, पर हो सकता है आपको मेरा तरीका अच्छा लगे। तो बात यही है, कोई भी चीज़ है उसको अगर 10 लोग बताएंगे ना तो 10 लोगों का तरीका अलग होता है, और क्या पता कब किसको आपका तरीका पसंद आ जाए। तो आप ये मत सोचो कि इस टॉपिक पे तो वीडियोस बन चुके हैं, अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप कोई ऐसा टॉपिक बना रहे हो जिस पे कोई वीडियोस ना हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर है भी तो चिल यार, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर है तो आप अपने तरीके से उसको बताओ और अच्छे से एडिट करो, कुछ ऐसा कुछ करो और उसको क्रिएटिव बनाओ कि लोग आपके वीडियो को देखें। और जो मुझे लगती है, जब आपका चैनल रिव्यू में जाता है तो आपके चैनल पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होनी ही चाहिए, मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए और व्यूज़ बढ़ने चाहिए, कमेंट्स आ रहे हैं वो भी आते रहने चाहिए, जिससे यूट्यूब को लगना चाहिए कि हाँ भाई बहुत एक्टिव चैनल है और इसको जल्दी मोनेटाइज करते हैं। एक बात और, आप अपने फ्रेंड्स से फैमिली से इतना एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे, आपका वॉच आवर्स कंप्लीट कर ही देंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास हर 8-10 दिन में एक ना एक लिंक आ जाती होगी, किसी भी चैनल की लिंक आ जाती होगी कि इसको सब्सक्राइब कर देना, इसको लाइक कर देना, इसको देख लेना, पर आप क्या देखते हो? नहीं देखते हो। शायद ही आप सब्सक्राइब कर दो और उसको पड़ा रहने दोगे, उसको कभी नहीं देखोगे। सीधी सी बात ये है कि देखिए, अगर आप यूट्यूब टिप्स देते हो और मेरा यूट्यूब चैनल ही नहीं है तो मैं क्यों देखूँगी आपकी YouTube टिप्स? नहीं देखूंगी ना। ऐसे ही मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं YouTube पे सर्च करके देख लूँगी, ठीक है। अब आप फोर्सफुली मुझे बोल रहे हो कि नहीं YouTube के टिप्स देखो, तो मैं क्यों देखूंगी? तो सीधी सी बात है कि जिसको ज़रूरत है वो देखेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। स्टार्टिंग में जब आप वीडियोस बनाओगे तो आपने कभी बनाए नहीं है तो आप उतने अच्छे से एडिट नहीं कर पाओगे, आप बहुत अच्छे से टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाओगे, टेक्स्ट नहीं लगा पाओगे। धीरे धीरे पर जब आपके 50-60 वीडियोस होंगे तो आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा, आप इजीली वो सारी चीज़ें कर पाओगे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जब आपने 50-60 वीडियोस बना लिए हैं और आपको लगता है कि पहले भी मैंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए थे पर क्या पता क्यों उनमें व्यूज़ वगैरह नहीं आए, तो आप उनको एडिट कर सकते हो। मैं मतलब रोज़ वीडियोस नहीं डालती हूँ, पर जिस दिन मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ तो मैं अपना कोई भी पुराना वीडियो उठा लेती हूँ, उसका थंबनेल चेंज करती हूँ, उसके टाइटल, उसके टैग्स, ये सारी चीज़ें चेंज करती हूँ, जिससे कि जो डेड पड़े हुए हमारे वीडियोस होते हैं उन पर फिर से व्यूज़ बढ़ने लगे, और ऐसे करके आप अपना वॉच आवर्स जल्दी बढ़ा सकते हो। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे जो भी जितना भी लगता था इम्पोर्टेंट वो सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।